नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग एम्पायर ट्यूटोरियल। और देखिए मैंने ये घर पर मास्क बनाया है जो कि बहुत इजी है। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कपड़ा लिया है वाइट, और ये कपड़ा है कॉटन का, ज़्यादा थिक कपड़ा नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा है। तो अब हम इस कपड़े पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के लिए मैंने ये छोटा स्केल लिया है जो 6 इंच का है। इस 6 इंच लगाकर निशान और आगे फिर 6 इंच लगा कर टोटल 12 इंच हमें इसकी विड्थ रखनी है। और अब जो इसका सेंटर पॉइंट था उसी से हम स्केल को घुमाते हुए राउंड शेप कर लेंगे। अगर स्केल की मदद से करना चाहते हैं स्केल से कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी और मेथड से अगर आप करना चाहते हैं, राउंड सर्कल करना है हमें तो ये सबसे अच्छा मेथड है। सेंटर में स्केल रखो, उसको चारों तरफ घुमाते चले जाओ तो वो टोटल एकदम से राउंड शेप में आ जाता है। तो कुछ इस तरह से मैंने मार्किंग इसकी कर ली है। अब मार्किंग होने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये कट करके सर्कल हमारा आ गया है। अब इस सर्कल के अब हमें डबल फोल्ड करके जो इसकी खुले वाली साइड है उस साइड पर हमें मशीन की सहायता से एक सिलाई लगानी है। जस्ट सिंपल सिलाई है, सिलाई करने के बाद अब हम इसको जो हमारा कपड़ा बंद है जिधर से खुला नहीं है, जो बंद सिरा है, उस सिरे को कैंची की मदद से इसको कट कर देंगे। तो ये इधर से ओपन हो जाएगा और दूसरी साइड से जिधर ओपन था उधर वो बंद हो जाएगा। तो ये अब इधर से ओपन करने के बाद फिर इसको फोल्ड करना है, वो मैं अभी बताती हूँ किस तरह से फोल्ड करना है। इस कपड़े को पकड़ के इसको इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करना है। चलो मैं फिर से एक बार और ट्राई करके बताती हूँ। इस तरह से जैसे ये हाफ सर्कल है, अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो हमारी ये खुली वाली सिलाई आती है इसको हम सिलाई कर लेंगे और थोड़ा सा कोना इसका छोड़ देंगे जो कि हमें सीधा करने में मदद करेगा, जो ये सिलाइयाँ जिससे अंदर आ जाएंगी अगर हम इसको जब सीधा करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ से सिलाई लगाते हुए फिर थोड़ा सा कोना लास्ट में जाकर सीधा करने के लिए छोड़ दिया, जितने में आप सीधा कर सकते हैं कंफर्टेबल है उतना। अब यहाँ से खुला रह गया है, अब इसकी मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब ये सीधा हो गया है मास्क हमारा। अब ये जो कॉर्नर आका बचा हुआ सिलावा जिससे हमने सीधा किया था उस पर एक सिलाई लगा लेंगे सिंपल सी। ये इलास्टिक है, बहुत ही सॉफ्ट वाली इलास्टिक है। थोड़ी इसमें जो चौड़ी वाली इलास्टिक आती है वो थोड़ी हार्ड सी होती है, जो कानों में हमारी चुभन होगी ये थोड़ी पतली वाली है, इसमें ये इतनी चुभन नहीं करती है। तो ये मैंने 6-6 इंच की इलास्टिक ली है, दो वायर सी, इसको हम दोनों कानों में लगाने में यूज़ करेंगे। अब इस कॉर्नर पे हमें ऐसे इलास्टिक पे गांठ लगानी है और इलास्टिक में गांठ लगा कर राउंड सर्कल सा बन जाएगा। उसके बाद फिर हमें ये ऐसे कोना इस इलास्टिक के ऊपर मोड़ के जो ये ट्रायंगल की शेप अंदर को मुड़ेगी उस ट्रायंगल शेप पे इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई को 2 बार करने के बाद पक्की कर देनी है जिससे इलास्टिक आराम से रुकी रहे, जल्दी से वो ना निकल पाए। बस ये इलास्टिक हमारी लगने के बाद एक साइड से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से दोनों साइड से हमने लगा ली और अब हम इस पर आयरन कर देंगे। आयरन करने से क्या है कि इसकी शेप बहुत अच्छी आ जाती है। तो देखिए कितना अच्छा मास्क बना है जस्ट 2 मिनट में। कोई ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं करनी, सिर्फ 2 सिलाइयाँ करनी है और कोई मेहनत नहीं करनी, और घर पर आप सुंदर सा अच्छा सा मास्क बना सकते हैं। अभी मैं आपको लगाकर भी दिखाऊंगी। ये मैंने कुछ मास्क बनाए, कुछ बच्चों के भी हैं, बच्चों के 6 इंच के बन जाते हैं। जैसे छोटा मास्क है इसको हम 6 इंच का की मार्क पे बना लेते हैं, तो ये 7-8 साल के बच्चे के आराम से आ जाता है। तो इस तरह से हम जो बचे हुए टुकड़े थोड़ा सा पीस पड़ा हुआ होता है घर में उसकी मदद से भी हम मास्क बना सकते हैं। ये देखिए मैंने लगा के दिखाया है अभी आपको, बिल्कुल फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, कहीं से भी लूज़ नहीं है और कहीं से भी हटा हुआ नहीं है, जैसे कि इधर उधर से पूरा अच्छा फेस कवर हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने घर पे मास्क बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।